हेलो दोस्तों, मैं समीर अंसार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल केवीडी कंप्यूटर्स में। आज हम आप लोगों को बताएंगे एडोब फोटोशॉप की सारी जितनी भी की होती हैं उनका यूज़ किस तरीके से करते हैं, उनका क्या काम होता है। तो एडोब फोटोशॉप की सारी की हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए जिसमें आपको एडोब फोटोशॉप फुल तरीके से आ जाए और सारी कीज़ का इस्तेमाल करना आराम से आप फोटोशॉप यूज कर सकें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ देर ना करते हुए और सीखते हैं एडोब फोटोशॉप किस तरीके। बाद हम लेंगे ये रेटिंगल मोसो टूल्स। ये लेने के बाद इसको हम एम कीबोर्ड से प्रेस करके भी ले सकते हैं और सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट एरिया, और सिलेक्ट एरिया करने के बाद हम कीबोर्ड से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, यानी कॉपी और पेस्ट। कॉपी पेस्ट करके हम इनका एक पार्ट निकाल के अदरवाइज कहीं पर भी हम सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये रेक्टेंगल टूल का हम यूज़ करते हैं, कीबोर्ड से एम प्रेस करके भी हम ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपका एलिपेटिकल मैरिक टूल, ये भी एम के इसका होता है। फेस को हम सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ फेस को हम कहीं भी ले जाके दूसरे के फेस पर रख सकते हैं। तो यहाँ से वही कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर लेंगे, ये हमारा सिर्फ फेस आ गया, बाल वाल कुछ नहीं, सिर्फ फेस। बहुत ही आसान तरीके से इसको कंट्रोल टी करके यहाँ से राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल कर देंगे और कहीं पर भी अपने हिसाब से सेट कर देंगे, ये देखो। और इसका दूसरा यूज ये होता है रेक्टेंगल का कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम, या कोई भी टेक्स्ट हो या कोई भी चीज़ को देखा होगा आपने, उठा के कहीं पर भी डबल कॉपी या पेस्ट किया जाता है। जैसे कि हम रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल लेने के बाद सबसे पहले हम कोई भी एरिया सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने न्यूयॉर्क को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब इसको कहीं पर भी हम ड्रैग करके रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये कहीं पर भी इसको ले जाके या कहीं पर भी आराम से इसको रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लेसो टूल। लेसो टूल हम कीबोर्ड से एम प्रेस करके भी ले सकते हैं। इसका काम क्या होता है, कोई भी हम पिक्चर को बहुत ही आसान तरीके से उसका कटिंग करना। लेसो टूल की एक खास बात है, सिर्फ माउस को हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट पर ले जाएंगे बहुत ही आराम तरीके से और सिलेक्ट करते चले जाएंगे जितना भी हमको सिलेक्ट करना हो कुछ इस तरीके से, और जहाँ पर भी हमने छोड़ा वहाँ पर लाके छोड़ देंगे, अपने ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। इसको भी कॉपी और पेस्ट कर देंगे और कहीं भी सेटिंग कर लेंगे इसकी बहुत ही आराम से अपने हिसाब से। ये हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि टूल्स किस तरीके से काम करते हैं, उनका हम यूज कैसे करते हैं वो हम बता रहे हैं। उसके बाद आ जाता है पॉलीजिकल लेसो टूल, ये भी एल को प्रेस करके ला सकते हैं। दूसरी पिक्चर ले लेते हैं, दूसरी पिक्चर कोई भी हम सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, इस पे हम यूज करेंगे अपना टूल्स। वही चीज़ बस इसमें ये है कि हम क्लिक करते चले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे कि जितना भी हमको सिलेक्ट करना है। ये देखिए, और एक ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, इसको इधर कर देंगे और यहाँ से इसको छोटा या बड़ा करके अपने हिसाब से इसको हॉरिजॉन्टल बैठा देंगे। बहुत ही सही तरीके आप आराम से यूज़ करेंगे कि जिस तरीके से आपकी कटिंग बहुत ही अच्छी हो। कोई भी ऑब्जेक्ट टेक्स्ट को भी आप इसी तरीके से काट सकते हैं, हमने पिक्चर को काटना बताया। उसके बाद आता है मैजिकल टूल। मैजिकल टूल में क्या होता है, इसको भी एल प्रेस करके ला सकते हैं। इसमें भी एक क्लिक करेंगे अपने आप माउस लेके जाएंगे और ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें ये ही बहुत ही आसान तरीके से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जैसे कोई भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये देखिए हमारा मैजिक टूल का सिलेक्शन और पॉलीजिकल लेसो टूल का सिलेक्शन, दोनों में डिफरेंट है, बहुत ही आसान
आसानी से और आराम से जब चलाएंगे तब आपका बहुत ही अच्छा और भी बेहतर कटिंग होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टूल पर, उसके लिए दूसरी पिक ले लेते हैं, कोई भी एक पिक सिलेक्ट कर लेंगे। कहाँ गई, ये वाली ले लेते हैं। इस पर बैकग्राउंड के लिए एक ले लेते हैं, ये एक बैकग्राउंड के हमने लिए ले लिया। ये पिक उठा के इस पर रख दिए और कंट्रोल टी करके इसको सेट कर देंगे। और इस पर क्या करेंगे हम, कीबोर्ड से सिर्फ जे डब्लू प्रेस करेंगे, मैजिक वन टूल आ जाएगा ऑटोमेटिक कीबोर्ड से जब हम डब्लू प्रेस करेंगे, और जो बैकग्राउंड है उस पर क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करेंगे। देखिए कितनी ही आसान तरीके से हमारा बैकग्राउंड कट हो चुका है, और जहाँ भी ना कट हो वहाँ पर भी कि एक बार क्लिक करेंगे और डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, आपका बैकग्राउंड बहुत ही बेहतर तरीके से, आप कोई भी अपना फ़ोटो या किसी का भी फ़ोटो आप इस चीज़ पे लगा सकते हैं और बैकग्राउंड ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इसको आप सेव कर सकते हैं, सेव करना तो पता ही होगा किस तरीके से फाइल को सेव किया जाता है, इसको नो कर देंगे। अब नेक्स्ट टूल हम यूज़ करते हैं क्रॉपिंग का। क्रॉप हम पासपोर्ट फोटो साइज़ के लिए यूज़ करते हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट एरिया या कोई भी चीज़ को हम यूज़ करने के लिए, तो ये हम पासपोर्ट के लिए क्रॉप यूज़ कर लेंगे। ये हमारा हो गया। इसके बाद हम पेच टूल, इसका यूज नहीं होता, ज़्यादातर होता है कई और लोगों के लिए पर फोटो के लिए इतना ज़्यादा नहीं होता। तो दूसरा हम टूल जो इम्पोर्टेंट टूल है उनके बारे में बताएंगे। तो कीबोर्ड से जे प्रेस करेंगे और पेच टूल को ले लेंगे, ये चीज़ ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर भी हम वाइट एंगल देखेंगे वहाँ पर हम खींच देंगे और वो वाइट एरिया उस फोटो पर ऐड हो जाएगा और वो चीज़ गायब हो जाएगी। जैसे कि हम एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद देखो वाइट एरिया पर हमने छोड़ा और वाइट एरिया वहाँ से यहाँ कवर हो गया। ऐसे ही इस चीज़ को हम सिलेक्ट किया, अब जहाँ पर हमारा पिक है उस पर हम छोड़ देते हैं सिलेक्ट, ये देखिए वहाँ से कॉपी हो गया तुरंत, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये हम पेच टूल की मदद से करते हैं, ये देखिए। उसके बाद ब्रश का यूज़ होता है। ब्रश आपने मोबाइल में बहुत बार यूज़ किया होगा, अगर आप कीबोर्ड या लैपटॉप चलाते हैं तो उसमें भी आप यूज़ किए होंगे, तो उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से चला सकते हैं, मोटा या पतला यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से साइज इसका। यहाँ पर ब्रश का एक चीज़ और देख लीजिए, अगर बहुत लोगों को नहीं पता, यहाँ से डिज़ाइनिंग हो जाती है थोड़ी बहुत, कहीं वॉलपेपर में आपने देखा होगा ये चीज़, जैसे कि आपको बैकग्राउंड बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं ब्रश को, और लीफ ले लेते हैं यानी पत्तियाँ उसके यानी डिज़ाइन ब्रश की, और यहाँ से कलर चूज़ कर लेंगे। ये देखिए ग्रीन हो गया, अगर हम एक बार क्लिक करेंगे तो हल्का आएगा और दो बार क्लिक करेंगे तो ज़्यादा यानी पत्तियाँ हमारे बैकग्राउंड पर आ जाएंगी। तो उसके लिए हम कलर एक चूज कर लेते हैं रेड, और अभी भी आ रहा तो यहाँ का कलर डार्क रेड हो गया, तो कलर की हमारी देखिए पत्तियाँ आने लगी। तो ये चीज़ अपने हिसाब से आप, अगर आपकी ज़रूरत है आपको बैकग्राउंड बनाना तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं, आप अच्छी तरीके से आप बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड बना सकते हैं इस चीज़ से। अब नेक्स्ट टूल हम यूज़ करते हैं पेंसिल। पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल का ज़्यादातर काम नहीं होता फिर भी ऑप्शन है तो आप यूज़ करिए। मोटी पतली कर सकते हैं राइट क्लिक करके, और जैसे आपका दिल करे वैसे आप इसे चला सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत सी डिज़ाइनिंग मिल जाएंगी पेंसिल में। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोन, जो मोर इम्पॉर्टेंट क्लोन होता है। तो इसके लिए हम आप एक वॉलपेपर ले लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो एक हमने फ़ोटो ले ली और दो फोटो हमारी हो गई, एक ये और एक ये। इसके लिए हम कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करेंगे और एक ऑब्जेक्ट पर हम अल्ट के साथ प्रेस क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम अल्ट को छोड़ देंगे और जहां हमको दूसरे पर लाना वहां पर क्लिक करके माउस से ड्रैग करेंगे और क्लिक करके हम पूरा ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी हम ला सकते हैं। जैसे कि एक और
एक आ गया। अब वहाँ वो हमारा सिलेक्ट है, अल्ट हमने प्रेस किया तो सिलेक्ट रहेगा। और यहाँ पर ऐसे हम खींचते रहेंगे माउस को और वहाँ की चीज़ आपके दूसरे फ़ोटो पर भी आ जाएगी। तो ये हो गया क्लोन का। उसके लिए उसके बाद इरेज़र हम यूज़ करते हैं, इरेज़र कोई भी चीज़ मिटाने के लिए। ये इरेज़र हो गया, उसको मिटाने के लिए हम कोई भी। अब हम बैकग्राउंड बनाने के लिए एक लेंगे यहाँ से ग्रैंडन टूल। ग्रैंडन टूल आप जी से भी ले सकते हैं और यहाँ आप डिज़ाइनिंग इसकी अपने हिसाब से रख सकते हैं बैकग्राउंड की। ये देखो किस तरीके से जैसे आप चाहेंगे उस तरीके से आपको डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ब्लर टूल। ये आप आर प्रेस करके कीबोर्ड से ले सकते हैं और इसमें फ़ोटो में क्या होता है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट के पार्ट को इधर से उधर कर सकते हैं। दूसरा उसके बाद स्पैनर टूल ले लेते हैं वहीं में और यहाँ से हम फोटो को ब्राइटनेस कर सकते हैं पूरा। ये देखो पूरी अंग्रेज़ तो वैसे भी थी और अंग्रेज़ होने लगी। ये देखो इसको हम डॉगी टूल से सॉफ्ट कर दें। और ये हम जब लेंगे बर्न टूल, बर्न टूल इससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को हल्का सा ब्लैक कर सकते हैं। डार्कनेस ये देखो ब्राइटनेस बढ़ गई, बालों की लाइट यानी चमक बढ़ गई। अब उसके बाद हम ओट को भी डार्क अगर करना है, कोई भी आँख है ओट है तो ओट को करते हैं वही मैजिक टूल से। जे प्रेस करेंगे और मैजिक टूल से इसमें ब्रश लेंगे और ब्रश लेने के बाद ये हमारी लैपटॉप की बैटरी हल्की सी डाउन है, रेड कलर ले लेंगे और लिप पर चला देंगे। ये देखिए इनकी ओट भैया लाल हो गई। ये पेट टूल है, इसका भी सिलेक्शन नहीं। उसके बाद आता है नाम लिखने के लिए हॉरिजेंटल टाइप टूल। हॉरिजेंटल टाइप टूल में हम नाम लिख सकते हैं, सिर्फ क्लिक करेंगे और नाम लिखना स्टार्ट। यहाँ सेलेक्ट करके कलर चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से सेव दे सकते हैं रेक्टेंगल का, और नहीं तो नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तो ये वीडियो आज की आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरीके से वीडियो हम लाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कोई भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट।